निमराव, चीजों को टेबल पर पहुंचाओ जल्दी से, उमर भाई आते ही होंगे। और हाँ, उन्हें ये मत बताना कि ये चीजें मैंने बनाई हैं। देखते हैं कि खा के क्या कहते हैं। भाई को फोन किया है आपने? हाँ, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ऑफिस से निकल रहे हैं। आपने उनको ये तो नहीं बताया कि हम उनकी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, ये बता देती तो मजा क्या रहता। चलो जल्दी जल्दी से सारी चीजें ले जाओ। भाई अब मुझे किचन में जाने की इजाजत है कि नहीं? हाँ हाँ, अब आप जा सकती हैं। मामा, आप उमर भाई को ये ना बताइएगा कि आज का खाना सवेरा बाजी ने बनाया है। पापा कहाँ हैं? नमाज पढ़ने गए हैं, आ जाते हैं अभी। शायद आ गए तुम्हारे पापा। मैं जाके खोलती हूँ दरवाजा। कौन? दरवाजा खोलो भाई। एक मिनट उमर भाई। बाजी, सवेरा बाजी, उमर भाई आ गए हैं। मैंने सोचा कि गेट खोलने से पहले मैं आपको बता दूं। एक मिनट, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। पहले कहाँ चली गई थी निमरा की बच्ची? वो मैं कुछ भूल गई थी, इसलिए मैं रूम में वापस गई थी। आपका ऑफिस का आज का दिन कैसा था? सही था, जैसे दूसरे दिन होते वैसा ही था। पर आज तो आपका बर्थडे है, आज तो बाकी दिनों से अलग होना चाहिए था। बर्थडे पर काम से छुट्टी थोड़ी मिलती है, काम तो बाकी दिनों की तरह ही करना होता है ना। बाकी सब दोस्तों ने विश किया, इसको तुम अच्छा कहना चाहो तो कह लो। पापा आ गए, आप मुँह हाथ धो लें जब तक मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। अरे वाह, आज तो खाने में बहुत कुछ बना है। आज उमर भाई का बर्थडे जो है, आज मैंने भी किचन में मदद की है, तो जल्दी से खाना खा के बताइए कि खाना कैसा है। अगर तुमने मदद की है तो फिर तो खाना इंसानों के खाने के काबिल नहीं होगा। जी नहीं, आज आपको बहुत खुशगवार हैरत होने वाली है। आपको पता है आज आपके लिए केक भी बनाया गया है, वो भी स्पेशल वाला। अल्लाह मेरे मैदे की हिफाजत फरमाए। आमीन। अरे वाह, आज तो अम्मी ने खाना बहुत ही मजे का बनाया है। जी नहीं, इसमें अम्मी का कोई कमाल नहीं है, सारा खाना सवेरा बाजी ने बनाया है। हैं? सच में? भाई मैं नहीं मानता। तो आप खुद ही अम्मी से पूछ लें। ये सही कह रही है, आज किचन में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी हुई थी। सवेरा बेटा, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू पापा। अब आपके मुंह से भी तारीफ सुनने को मिलेगी कि नहीं उमर भाई? सवेरा कसम से मुझे यकीन नहीं हो रहा, खाना वाकई बहुत मजे का बना है। आज बर्थडे मेरा है, लेकिन गिफ्ट तुम्हें मिलना चाहिए। सवेरा, ये आपके कोर्स का लास्ट पार्ट है, इसमें आपको वेब नेविगेशन सिखाई जाएगी। इंटरनेट से मुतालिक तमाम चीज़ें इस पार्ट में शामिल होंगी। मुझे खुशी है कि आपने तमाम चीज़ों को इतनी जल्दी सीख लिया। थैंक यू सर, आप इतने अच्छे से बताते हैं कि सब कुछ आसानी से समझ आ जाता है। सर, मुझे पहले ईमेल करना सीखना है। ओके ठीक है, हम सबसे पहले मेल करना ही सीखते हैं। आप अपने ब्राउजर पर जाइए और वहाँ जाकर जीमेल टाइप कीजिए। New tab, frame header, landmark, link, mail, open to new tab, link, search for images, toolbar, address and search bar, and add autocom, gmail.com, selected instead, mail document, busy, blank. यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी साइन इन है, इसलिए आपको अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अपने लिए एक अकाउंट भी क्रिएट करना होगा, जिससे आप किसी को मेल सेंड या रिसीव कर सकेंगी। Primary property page. Okay, अब आप यहाँ पर basic HTML चूज कर लें। Button basic HTML view. Mail inbox document busy, blank. अब Alt plus C press करें और Compose Mail में जाकर जिसे मेल सेंड करनी है उसका ईमेल एड्रेस लिखें।
mail compose date table send save wrap the start compose form to I N F O at N A I S U B A H dot O R G. Good. अब टैब प्रेस करें और सब्जेक्ट में अपनी ईमेल का सब्जेक्ट टाइप करें. Row 2 CC edit blank. Row 3 BCC edit blank. Row 4 subject edit as auto complete blank. N E E T space I N F O R M A T I O N. अब टैब प्रेस करें और मैसेज बॉडी में अपना मैसेज टाइप करें. Attach file. No file chosen. Attach more files button. Row 8 message body edit multi y message body blank. H I comma space. I space N E E D space I N F O R M A T I O N space R E G A R D I N G space N E W space C O U R S E S. Nice. अब टैब प्रेस करें और सेंड बटन पर एंटर प्रेस कर दें. आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी. सेंड बटन. Hello, your message has been sent. Wow, ये तो बहुत आसान है. जी हाँ, ये इतना ही आसान है. और मेल पढ़नी कैसे होगी? Alt plus I प्रेस करने से आप इनबॉक्स में आ जाएंगी. यहाँ पर आपको वो मेल्स मिलेंगी जो आपको सेंड की गई हैं. स्टूडेंट्स, आप सब ने माशाल्लाह बहुत कुछ सीख लिया है. मुझे यकीन है कि आप आसानी से इंडिपेंडेंटली खाना पका सकते हैं. आज मैं आपको कुछ स्पेशल असिस्टिव टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, जिसकी मदद से किचन में काम करना और भी आसान हो जाएगा. आज मैं आपको बॉइलिंग के लिए, पोरिंग के लिए और कुकिंग के लिए असिस्टिव टूल्स बताऊंगी. इस वाले टूल को आप किसी गिलास या किसी बर्तन में रखकर पानी उंडेलेंगे तो ये आपको बताएगा कि बर्तन में उंडेले जाने वाली चीज कितनी मिकदार में बर्तन में पहुंच चुकी है. अगर बर्तन भर जाएगा तो ये वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि बर्तन भर चुका है और मजीद इसमें उंडेलने से पानी या कोई चीज भी छलक जाएगी. इसी तरह आप बॉईल करते हुए भी इस टूल को इस्तेमाल करते हुए ये पहचान जाएंगे कि बॉईल होने वाली चीज़ बाहर तो नहीं निकल रही. टॉकिंग ओवन से आपको बेकिंग करने में और टाइम सेट करने में आसानी होगी. ये आपको वॉइस असिस्टेंट से गाइड करेगा, जिसकी वजह से काम करना और भी आसान हो जाएगा. हाई पावर, मीडियम हाई पावर, स्टार्ट. ये तमाम टूल्स आपको नई सुबह के असिस्टिव टूल्स डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे. अगर आप में से कोई इन असिस्टिव टूल्स को बाय करना चाहता है तो नई सुबह असिस्टिव टूल से रابطہ कायम करें. वाओ, ये तो बहुत ही कमाल की टूल्स हैं. मैं तो जरूर बाय करूंगी. शादी के बाद मुझे इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है. तो कब हो रही है तुम्हारी शादी? नेक्स्ट मंथ. अरे, इतनी जल्दी? हाँ, रेहान की सिस्टर की शादी है तो हमारी भी इसीलिए साथ हो रही है. रेहान, वो जो हमारी कंप्यूटर क्लास में भी है? मगर तुम दोनों ही विजुअली इम्पेयर्ड हो तो सरवाइव कैसे करोगे? अरे, तो इसमें क्या मसला है? हम रेगुलर पर्सन्स की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं. और अब तो हम दोनों ने काफी सारे इंडिपेंडेंट लिविंग कोर्सेज भी कर लिए हैं और रेहान माशाल्लाह जॉब भी कर रहा है. हम दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं. इंशाल्लाह हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी. अस्सलाम वालेकुम सवेरा. ओके सवेरा, मेरी शादी में जरूर आना. वैसे मैं तुम्हें शादी का कार्ड भी भेजूंगी. चलिए सवेरा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.